नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पान है, इनकी एज है 40। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, कोर्ट केस से रिलेटेड थे और बच्चों के करियर से रिलेटेड थे। सबसे पहले आपके इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुझे अभी आपके पान में कोई भी प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। यदि आप यहाँ से अच्छा लाभ पाना चाहते हैं तो हम आपको इसके प्रॉपर रेमेडीज दे देंगे। जो दूसरा क्वेश्चन था, देखिए आपके पास में मुझे कोई भी कोर्ट केस नहीं नज़र आ रहा है। अगर होता भी तो जीतने के चांसेस काफ़ी कम थे, क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ नहीं हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, देखिए बच्चों के बारे में हम ये बता सकते हैं आपको कि संतान सुख है या नहीं है, लेकिन बच्चों का करियर कैसा रहेगा या बच्चों की लाइफ कैसी रहेगी, ये हम उनका पान देखकर ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को कंपेयर किया जाए तो आपकी रिंग फिंगर बड़ी है। ये दिखाती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते समय नहीं सोचते कि आपके पास इनकम कितनी है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। यह है एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आपको हर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको लॉस होता भी है तो आप इस चीज़ को देकर ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं, डिप्रेस नहीं होते हैं। जितनी जल्दी आप गिरे हैं उतनी जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह इस चीज़ को बताता है। आपकी इंडेक्स फिंगर काफ़ी ज़्यादा बेंड हुई है, ये आपको काफ़ी धार्मिक बनाएगी। आप स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, इस चीज़ को बता रही है। अगर लिटिल फिंगर को हम देखें तो ये ऑलमोस्ट पहुंच पाई है रिंग फिंगर के फर्स्ट लाइन तक। यह काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होगा, पंचुअल है, काम को सही समय पर करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को टाइम भी देते हैं तो सही समय पर पहुँचने में सक्षम भी हैं। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यह इस चीज़ को भी बता रहा है। अब चलते हैं आपके मर्क्यूरी माउंट की तरफ। देखिए, मर्क्यूरी माउंट क्या बताता है? बुध पर्वत हमारी बौद्धिक क्षमता को बताते हैं कि आप डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। व्यापारिक गुण इसीलिए ही यहाँ से देखे जाते हैं, क्योंकि आप टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वह सब यहीं से देखा जाता है। आपका बुध पर्वत अच्छा है, स्पष्ट है, यहाँ पर आपको रेखाएँ भी नज़र आएंगी। ये रेखाएं अच्छी होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं, दिखा रही हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, आप बात को सही समय पर तर्क के साथ कह पाने में सक्षम हैं, यह इस चीज़ को बताता है। दूसरा, यह आपको मध्यम सुंदरता और मीठी वाणी देता हुआ भी नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा मर्क्यूरी माउंट है, तो आपके अंदर मार्केट नॉलेज भी अच्छी होगी, चीज़ों को प्लानिंग करके आप करते हैं, और फाइनेंशियल नॉलेज भी आपकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपका सन माउंट अच्छा नहीं है, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देता है। यह दिखाता है कि आपको अपने पिता से शायद इतना सुख ना मिल पाया हो। देखिए, इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पिता से मतभेद रह सकते हैं या फिर उनसे दूर रहना भी पड़ सकता है। इस प्रकार के नेगेटिव पॉइंट यहाँ से मिलते हैं। देखिए, अगर आप अपने सन माउंट को मजबूत करना चाहते हैं तो आप सूर्यदेव को वर्क दीजिएगा, बाकी प्रॉपर रेमेडीज़ हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। देखिए, जो सूर्य पर्वत होता है वो दिखाता है आपकी तरक्की को, आपके नेम फेम को, यश कीर्ति को। जब यहाँ इस प्रकार की कंडीशन हो और ये हल्का सा दब भी गया हो, तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपको चाहिए, जो पोटेंशियल, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। आप इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ कीजिएगा। आपका शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं। देखिए, जो शनि पर्वत है वो हमारे कर्म के कारक हैं। मैं हर वीडियो में इस बात को बताती हूँ कि अपने कर्म साफ रखिए, आपको किसी भी पर्वत के उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जो शनिदेव है वो हमारे न्याय के भी कारक हैं, तो आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत कीजिएगा, किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा, इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। अगर आपके जुपिटर पे चलें तो जुपिटर माउंट थोड़ा सा फ्लैट है, इतना उभार इसमें नहीं है जितना होना चाहिए। रेखा यहाँ अच्छी है। देखिए, ये रेखा दिखाती है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याओं में ज़रूर जाता होगा, मिस्टीरियस चीज़ों पर, जैसे कि पाल मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब की तरफ व्यक्ति का ध्यान ज़रूर जाता है।
बाकी आप धार्मिक हैं तो परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आप अपने जीवन को सामान्य से अच्छे लेवल पर ले जाने में सक्षम हो जाएंगे, इस चीज़ को भी बताता है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा वीक है तो थोड़ी बहुत आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, तो इसको भी मजबूत करने के लिए आपको इसके रिगार्डिंग उपाय करने चाहिए। आउटर मार्स आपका अच्छा दिख रहा है मुझे, आउटर मार्स में कोई भी कमी नहीं है, ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है और आप साहसी हैं, लड़ना जानते हैं, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें तो मून माउंट पर मुझे थोड़ी सी फ्लैट है, ये इतना उभार लिए हुआ नहीं है, थोड़ा सा दब गया है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मन साफ नहीं रहता, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, विचारों में अशुद्धता आ जाना, बेफिजूल की चिंताएं करना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये क्यों आती है? देखिए चंद्रदेव जो है हमारे वो मन के कारक हैं, और जब चंद्र माउंट फ्लैट हो या इस प्रकार का हो तो मन साफ नहीं रहता, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति को जीवन में ज़रूर सताती हैं। अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप सुबह सुबह उठकर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ से फिर आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। वीनस माउंट पर चले तो वीनस माउंट दिखा रहा है कि आपका ध्यान लग्जीरियस चीज़ों पे, सुख सुविधाओं की चीज़ों में बहुत है। दूसरा वर्टिकल लाइंस हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वीनस माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, स्पष्ट है, इससे मेजर इश्यूज मुझे आते हुए नहीं नज़र आ रहे। इनर मार्स भी आपका काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी ठीक ठाक है, ये दिखा रहा है आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी है, काम कर जल्दी थकावट महसूस नहीं करते हैं आप। लाइफ लाइन पर हम चलें तो लाइफ लाइन आपकी स्मूथली चली है, यहाँ पर मुझे कुछ रेखाएं, राहु रेखाएं नज़र आई लेकिन इतनी मेजर नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या जीवन में आ सकती है। देखिए राहु रेखाओं का क्या मतलब होता है, राहु रेखा व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, परेशानियाँ, अब वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएँ आपको इस टाइम पर, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे। आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी फेट लाइन अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपके पाल में, आपके पाल में माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, हार्ट लाइन भी ठीक है और लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन फेट लाइन अभी काफ़ी कमज़ोर सी है, काफ़ी लेट भी शुरू हुई है, ये करीब करीब 35वें वर्ष तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं आगे है ही नहीं, तो इससे रिगार्डिंग समस्या आ सकती हैं आपको। एक बार को फेट लाइन ना होती तो काफ़ी अच्छा माना जाता, लेकिन अगर ये है और आगे जाकर हल्की पड़ रही है तो समस्याएं ज़रूर आती है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। आप इसके रिगार्डिंग ज़रूर रेमेडीज़ कीजिएगा, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। माइंड लाइन आपकी पूरी की पूरी लाइफ लाइन से ही निकली और इस प्रकार तक काफ़ी एंड तक गई है, ये दिखा रही है कि आपकी मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, कोई भी मानसिक तनाव मुझे इस प्रकार से नहीं नज़र आ रहा। छोटी छोटी रेखाएं, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेजर इश्यूज माइंड लाइन पर नहीं है। मानसिक स्तर से आप काफ़ी अच्छे हैं, मेमोरी भी आपकी काफ़ी ठीक होगी, शार्प होगी, इस चीज़ को भी बताता है। और अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चले तो हार्ट लाइन आपकी पूरी शनि पर्वत पर ही आके रुक गई है। देखिए दिखा रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो आप देते हैं, पूरा पूरा ध्यान जो देते हैं, वो आप अपने करियर पे, अपने काम के प्रति बहुत ध्यान है आपका, इस चीज़ को दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम को महत्व देते हैं, धन को लेकर भी थोड़े से आसक्त होते हैं, प्रायोरिटी मनी रहती है, इसीलिए ही सोच समझ कर ही खर्च करते हैं, आवश्यकता अनुसार ही आप धन खर्च करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होगा, और बातें आप ज़्यादा बताना नहीं पसंद करते, अपने तक ही बात को सीमित रखते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं है, थोड़ी सी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी को भी ये दर्शाता है। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको मेजर समस्या कहाँ कहाँ आ सकती हैं, आपको उपाय किस किस चीज़ के करने होंगे। देखिए आपका पान काफ़ी ज़्यादा साफ है, काफ़ी स्पष्ट है, ज़्यादा रेखाएं नहीं है, इसलिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा रेखाएं होती है तो उतनी समस्याएं आती है, जितना ज़्यादा पान साफ हो उतना ही अच्छा माना जाता है। आपके पान में हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जो समस्या है वो है फेट लाइन के रिगार्डिंग, ये अच्छी नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको समस्या आ सकती है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आएंगी, क्योंकि जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बाकी वीनस माउंट आपका अच्छा था। देखिए जो आपका चंद्र पर्वत है वो ख़राब है, इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ में यहीं दे देती हूँ। जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत खराब होते हैं,
आप जानते हैं जो चंद्रदेव हैं वो हमारे शिव जी के गढ़ हैं। अगर आप महादेव की शरण में जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, आप कुछ भी नहीं करते तो सुबह सुबह उठकर केवल नहा धोकर उन पर जल ही चढ़ा दीजिए, आपको यहाँ से 100% अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है वो चली जाएगी और आपके काम बनने शुरू भी हो जाएंगे, धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। रेमेडीज बाकी जो करनी होंगी मैंने आपको पहले भी बताया, फेट लाइन के रिगार्डिंग कीजिएगा और जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए कीजिएगा। सूर्य पर्वत पर जो मैंने बताया आपको, सूर्य देव को वर्ग दें, वहाँ से आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और लाइफ में कोई भी डिसीजंस लीजिए तो सोच समझ कर ही लीजिएगा। कभी भी गुस्से में आकर डिसीजंस आप लेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, बाकी मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखे हैं। पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। यदि अब भी कुछ डाउट्स हैं तो वह पूछ सकते हैं आप। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।